हेलो टॉरस, वेलकम टू ग्रोमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के फोर्थ वीक की। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। Nine of Wands, The Magician, Three of Cups, Ace of Wands, Knight of Swords, ओके आपके लिए दो कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके टॉरस, आपका पहला कार्ड है फाइव ऑफ वॉन्ड्स का। आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं अपने पार्टनर से, यहां बहस हो सकती है किसी चीज को लेके, क्योंकि आपके पार्टनर के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। यहां कार्ड देख रहे हैं द हाई प्रिस्टेस। डेफिनेटली इस समय आपके पार्टनर आपको सारी चीजें बता नहीं रहे एंड बहुत कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जिनके जवाब आपको नहीं मिले, बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं और ये सारी चीजें आपके दिमाग में डाउट रेज कर रही हैं, क्योंकि आपका पार्टनर द मजिशियन की तरह बिहेव कर रहा है, कभी कुछ और लगता है एंड कभी कुछ और। सो आपको उनका बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज लगेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत अजीब लगेगी एंड मुझे लगता है कि इस चीज को लेके आप क्वेश्चन करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप चुप बैठने वाले, क्योंकि आप फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत सारे लोग देख रहे हैं आप आसपास, तो सडनली ये लोग आपके सवाल है खुद के एंड ये पर्सन उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे रहा है एंड आप खुद को डिफेंड कर रहे हैं एंड भले ही आपको जवाब ना भी मिल रहा हो फिर भी आप सोच रहे हैं ओके चलो सिचुएशन में अभी थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, बाद में देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको इस समय दिमाग की शांति मिल रही है। आप इन सेवन शॉर्ट्स में से सिर्फ दो ही रख पाए हैं नीचे एंड बाकी पांच को आप कैरी कर रहे हैं टॉरस, यानी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है एंड आप आगे बढ़ रहे हैं इस टेंशन के साथ कि आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपने चीजों को होल्ड पे रख दिया है। और ये पर्सन हो सकता है कि आप कुछ देखें एंड आप उन्हें रंगे हाथ पकड़ रहे हैं, आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे किसी चीज पे एंड वो किसी तरीके से उसे कवर कर पाएंगे, तो फिर उन्हें आई थिंक ये पर्सन उन्हें सिग्निफाई कर रहा है जो किसी तरीके से अपने आप को डिफेंड कर रहा है और सोच रहा है कि शुक्र है बाल बाल बचे। उन्हें यह लगता है कि उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया है और अब आपके कोई डाउट्स नहीं है और द हाई प्रिस्टेस के साथ इस पर्सन के अंदर बहुत सीक्रेट है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी का सीक्रेट हो सकता है थर्ड पार्टी ना भी हो, ये कुछ मनी रिलेटेड हो सकता है, कुछ फैमिली रिलेटेड हो, बट कुछ है
और हर किसी के केस में ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये कोई थर्ड पार्टी ही हो। हालांकि एक जनरल रीडिंग है टॉरस, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। अगर ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको हमेशा की तरह। खैर, यहां पे थ्री ऑफ कप्स के साथ आप अपने दोस्तों के साथ हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पार्टनर या आपका जो पर्सन है ये इस समय क्या चाहता है, क्या कर रहा है। थ्री ऑफ कप्स के साथ आप जानते हैं कि आपका जो क्वालिटी टाइम है उसको आपको खुश रह के बिताना है, आप टेंशन को अपने पर हावी नहीं होने दे रहे हैं, बट ये टेंशन खत्म भी नहीं हुआ, ये कारपेट के अंदर है, लेकिन आपकी खुशियों में कोई कमी नहीं हो रही है इसके चलते। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ टॉरस, आई थिंक अगर आप किसी गैदरिंग में जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं या कोई ऐसी जगह जहां आप नए लोगों से मिल रहे हैं, हो सकता है कि कोई आपको ऐसा पर्सन मिले जो आपको अपने लिए परफेक्ट लगे एंड उस पर्सन को देख के आप सोच रहे हैं वाओ ये पर्सन तो बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने अपने लिए इमेजिन किया था, ये पर्सन बिल्कुल मेरे लिए ही बना हुआ है, मेरे हिसाब से यह कंपैटिबल है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप यहां हैप्पी लग रहे हैं और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आई थिंक ये पर्सन भी आप में काफी इंटरेस्टेड है, ये आपको अप्रोच करना चाहता है एंड ये बहुत रेस्टलेस है एंड शायद इस पर्सन को पता नहीं है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, बट ये पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है एंड आप देखेंगे कि लोग आपको बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, कोई पर्सन आपको बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा हो सकता है, ये पर्सन आपके लुक्स के बारे में बातें कर रहा है या आपको कुछ ऑफर करने की कोशिश करेगा, किसी ना किसी तरीके की चीज, ये पर्सन आप में रियली इंटरेस्टेड है और आपको भी पसंद है ये पर्सन एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ एंड आप अपने आप को एक बहुत अजीब से सिचुएशन में पा रहे हैं इस वीक में एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एक तरफ एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं और आप श्योर नहीं है उसके बारे में, उस पर आपको ऑलरेडी डाउट हो रहा है कि क्या वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, क्या वो आप में एक्चुअली इंटरेस्टेड है, क्या ये रिलेशनशिप फ्यूचर में वर्क करेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस, आपको अपने सवालों के सेटिस्फैक्ट्री जवाब भी नहीं मिल रहे। और एक तरफ कोई दूसरा पर्सन है जो कि बहुत परफेक्ट है एंड जो आप में इंटरेस्टेड भी है और आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। सो एस ऑफ सोर्स के साथ आपके लिए चुनना बहुत मुश्किल होगा, आपको केयरफुल रहना होगा इस वीक में टॉरस, एंड जो आप कर रहे हैं वो चीजें आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालेगी इस वीक में। हो सकता है कि आप किसी को देखकर ये सोचे कि ये पर्सन मुझे पहले क्यों नहीं मिला, इस तो मजिशियन से पहले क्यों नहीं मिला, इस तरह की कोई फीलिंग, रिग्रेट्स। मैसेज फॉर टॉरस, पेज ऑफ कप्स। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील करें इस वीक में एंड ये नया पर्सन पाइसेस हो सकता है जो कि आप में बहुत इंटरेस्टेड है एंड जेन्युइनली इंटरेस्टेड है और आपको भी एक गिफ्ट की तरह लग रहा है, एक परफेक्ट सिचुएशन, एक अट्रैक्शन है, लेकिन अब ये आप पे है कि आप क्या करते हैं, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस के साथ इस पर्सन को नहीं पता कि आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में है टॉरस। एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए, स्ट्रेंथ। सो आपके अंदर इस वीक में स्ट्रेंथ भी है, आप अपने आप को स्ट्रांग रख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको डाउट्स हैं भी और आपको जवाब नहीं भी मिल रहे तो भी आपने पेशेंस रखा हुआ है, आप जानते हैं कि चीजों को कैसे डील करना है, आपकी पर्सनल लाइफ का असर आपकी सोशल लाइफ पे नहीं आ रहा है, यहां आप लोगों के बीच पॉपुलर हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं एंड लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर ताकत है, तभी ये सब पॉसिबल हो पा रहा है और आप अपने इमोशंस को अपने खुशियों के रास्ते में नहीं आने दे रहे हैं। तो ये थी रीडिंग दिसंबर के फोर्थ वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।